ट्रेन की चेन खींचने पर ट्रेन रुक क्यों जाती है? सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेन में ब्रेक काम कैसे करता है। ट्रेन में भी वही एयर ब्रेक होता है जो सड़क पर चलने वाले किसी कमर्शियल व्हीकल में, बस या ट्रक में होता है। ट्रेन के ब्रेक में एक पाइप होता है जिसमें हवा भरी होती है। यही हवा ब्रेक शू को आगे पीछे करती है और जब ब्रेक शू पहिए पर रगड़ खाता है तो ब्रेक लगने लगती है। लेकिन ब्रेक कब और किस स्थिति में लगाना है ये ट्रेन के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि किसी भी सड़क पर ट्रैफिक संचालन के लिए तीन सिग्नल होती है, हरा, पीला और लाल। हरा सिग्नल होने पर ट्रेन अपनी स्पीड से चलती रहती है, लेकिन जब पीला सिग्नल मिलता है तो लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड कम करनी होती है। अगर लगातार पीला सिग्नल लोको पायलट को मिलती रहे तो उसे बार बार अपनी स्पीड कम करने की जरूरत होती है। वही अगर लाल सिग्नल मिलती है तो लोको पायलट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सिग्नल से पहले ट्रेन रोक दे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हर रोज देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।